छात्र संगठन युवा आगाज इफ कॉलेज छात्रों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज और फरीदाबाद के सभी सरकारी कॉलेजों में 20% सीटें बढ़ाने की मांग की है। इस मांग को लेकर स्टूडेंट कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के सेक्टर 8 स्थित कार्यालय पर पहुंचे। मंत्री की अनुपस्थिति में उनके भाई टीपर चंद शर्मा को ज्ञापन दिया। इस दौरान स्टूडेंट ने एडमिशन संबंधित समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। युवा आगाज संगठन के अध्यक्ष यशवंत पवार ने बताया कि स्टूडेंट को एडमिशन में बहुत परेशानी आ रही है। कॉलेजों में कम सीट होने के कारण 70% से लेकर 80% के छात्र और छात्राएं एडमिशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। युवा आगाज नेहरू कॉलेज के प्रधान गौरव ने बताया, वैसे हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए नारा देती है, लेकिन जब छात्राओं का एडमिशन ही नहीं होगा तो बेटियाँ कैसे पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। जब विद्यार्थियों को शिक्षा से ही वंचित कर दिया जाएगा तो वह अपने देश और समाज का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे। इसलिए तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार को 20% सीट बढ़ानी चाहिए। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के प्रतिनिधि टीपर चंद शर्मा ने कहा कि स्टूडेंट को एडमिशन संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी और डायरेक्टर हायर एजुकेशन को तुरंत प्रभाव से सीट बढ़ाने को लेकर मेल करा दी गई है और कहा कि 2-3 दिन में छात्र हितों में सीटें बढ़ाई जाएंगी। इस मौके पर जसवंत पवार, बॉबी बड़ोली, गौरव प्रधान नेहरू कॉलेज, विशाल सैनी, कुणाल अधाना, सुनील सैनी, हर्ष चौधरी, भरत बलजीत, सचिन गौतम, निखिल अमन, मनोज भड़ाना, मोहित मुकुल सैनी मौजूद रहे। लेटर आज ही भेज देंगे और बढ़िया है, बच्चे पढ़े हैं, बढ़िया बढ़िया कॉलेज बन रहे हैं फिलहाल में। नेहरू कॉलेज है, जसाना में कॉलेज बना है, एक बेटियों का बल्लभ में बना है, एक नया कॉलेज आपके लिए सबके 22-23 में बनने जा रहा है। बच्चे को पढ़ाई करें और ये आपकी मांग।